सिवनी मध्य प्रदेश के लखनऊ के नाम से प्रसिद्ध जबलपुर संभाग के अंतर्गत आने वाला 8,758 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले सिवनी जिले में कुल 8 तहसील, 4 विधानसभा, 1,599 गांव, 1 नगर पालिका एवं 2 नगर पंचायत है। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 भी यहीं से होकर गुजरता है। इसके उत्तर में जबलपुर मंडला व नरसिंहपुर जिले, पूर्व में बालाघाट, पश्चिम में छिंदवाड़ा और दक्षिण में नागपुर महाराष्ट्र जिला है। जिले के लोग का मुख्य व्यवसाय कृषि है। सिवनी जिले का गठन 1 नवंबर 1956 में प्राथमिक रूप से जनजातीय बहुल जिले के रूप में किया गया है। सिवनी जिले का नाम सेवन नामक वृक्ष के नाम पर किया गया है। ये वृक्ष इस जिले में बहुमत मात्रा में पाया जाता है। इस वृक्ष का उपयोग ढोलक बनाने में किया जाता है। यह जिला सतपुड़ा पर्वत के उत्तर दक्षिण में स्थित है। यह जिला इमारती लकड़ी का मुख्य स्रोत है। सिवनी जिला मुख्यालय नागपुर वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 7 और जबलपुर नागपुर के बीच स्थित है। नोबल पुरस्कार विजेता रुडयार्ड किपलिंग जब भारत लौटे और लगभग अगले 6.5 साल तक यहीं कर रहकर काम किया। लिखी गई कहानी द जंगल बुक, जंगल बुक के कथानायक में मोगली नामक एक बालक है जो जंगल में खो जाता है और उसका पालन पोषण भेड़ियों का एक झुंड करता है। अंत में वह इसी गाँव में लौट जाता है, इसलिए इस जिले का नाम मोगली लैंड के नाम पे भी रखा जाता है। सिवनी जिले में स्थित दर्शनीय स्थल की बात करें तो दालसागर तालाब, दिगंबर जैन मंदिर, माँ वैष्णो देवी जी का मंदिर, साईं मंदिर, हनुमान मंदिर जाम व एशिया का महाद्वीप का सबसे बड़ा मिट्टी से बना भीमगढ़ डैम पर्यटन स्थल जिले में स्थित है। यह थी सिवनी जिले से जुड़ी कुछ बातें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए कि आप भी है सिवनी जिले के निवासी। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।